Rising Scholars Tutorials. Today I am going to start first chapter of 12th standard. Okay, 12th bio का मैं क्या काम करने वाला हूँ? पहला chapter start करने वाला हूँ. Chapter का name क्या है? Reproduction in lower and higher plant. Okay, जैसा आप देख रहे हैं. Okay, lower plant और higher plant में जो less develop है, less complex है, जिसके अंदर development, xylem, phloem, seeds जिसके अंदर नहीं होते, वो किस तरह से reproduction करते हैं? और higher plant में बनियान tree ले सकते हैं, mango tree ले सकते हैं. ये सभी हाइयर प्लांट्स के अंदर आते हैं. ओके, तो ये सारे प्लांट्स जो रहते हैं किस तरह से रिप्रोड्यूस करने वाले हैं, ये सभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो आपके माइंड में रिकॉल क्या क्या करना है, हाउ डज प्लांट रिप्रोडक्ट विथआउट सीड. ओके, प्लांट किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है बिना सीड के, तो इसके लिए आपको क्या पता रहना चाहिए, रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है. ओके, और सेकंड क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस वेजिटेटिव प्रोग्रेशन ऑकर इन नेचर, मींस कौन से वेरियस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं जो नेचर में होते हैं, ये भी आपको रिकॉल करना है. ओके, वेजिटेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ. ओके, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने यंग वन को देता है. ओके, प्रोड्यूस पेरेंट्स अपने क्या काम करते हैं, यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं. यंग वन मींस क्या होता है, अपने फिटस, फिटस मींस क्या होता है, अपने बेबी. ओके, अपने बेबी को देने के लिए क्या काम करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोड्यूस करके जिसकी वजह से उनका न्यू जनरेशन आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. कोई भी एनिमल या प्लांट कोई भी क्यों रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन इसलिए करता है क्योंकि उनका जो कैरेक्टर रहता है, जेनेटिक कैरेक्टर रहता है, वो कहीं पे भी खो न जाए. ओके, इसीलिए कभी भी आप सुनते हैं तो आपको क्या सुनने को मिलता है कि मुझे अपना ही खून चाहिए, मींस कि अपना जनरेशन, मेरा अपना यूनिक जो कैरेक्टर है, वो क्वालिटी जो मेरे जेनेटिक के अंदर है, वो अपने यंग वन के अंदर के जरिए हमारे यूनिवर्स में, हमारे अर्थ पे क्या रहना चाहिए, सर्वाइव करना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल रिमेन रहना चाहिए. ओके, इसीलिए क्या होता है, लाइफ में रेस होता है, मतलब अलग अलग स्पीसीज में. ओके, कि हर कोई चाहता है अपने स्पीसीज को सरवाइव करने के लिए, इसीलिए क्यों करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए. मेन असेंशियल रोल क्या है, रिप्रोड्यूस करना, अपने यंग वन को प्रोड्यूस करना. तो उसके यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे मेथड है. ओके, जो बहुत सारे मेथड है उसमें में से कौन सा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों मेथड है. ओके, असेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड में आपको क्या समझ में आता है, असेक्सुअल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें सिर्फ वन पेरेंट्स रिक्वायर रहता है, या तो वो मेल रहे, या तो फीमेल रहे, या चाहे जो रहे. ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनको इंक्लूड किया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा टू पेयर्स, मतलब पेयर में पेरेंट्स चाहिए रहते हैं. ओके, एक मेल रहता है, दूसरा क्या रहता है, फीमेल रहता है. ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ओके, तो देखिए सबसे पहला हम लोग क्या किसके बारे में स्टडी करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि दो सेक्सुअल, इसके अंदर दो, देखिए यहाँ पे क्या है, दो कंपेटिबल गैमेट्स की जरूरत नहीं रहती. गैमेट्स मीन्स क्या होता है, जो ह्यूमन बींग के अंदर दो तरह के आपको सेल्स पता है, सोमैटिक सेल्स रहते हैं, जर्म सेल्स रहते हैं. सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी क्या रहेगा, सिमिलरली इसी तरह से रहेंगे. ओके, लेकिन इसके अंदर जर्म सेल्स इम्प्लीमेंट नहीं होता, इनके अंदर जर्म सेल्स नहीं रहते. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं जिसके लिए जर्म सेल्स ये रहता है. ये क्या काम करते हैं, अपने गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करते, ये सिंगल इंडिविजुअल जो पेरेंट्स रहते हैं वही अपने आप को टू इक्वल हाफ में, या फिर अपने अपने जेनेटिक मटेरियल को ही ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करके जो यंग वन जो पैदा होता है जिसके लिए सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही रहता है. सिंगल पेरेंट्स बोलने का मींस क्या होता है, या तो वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे जो रहे चल जाएगा. ओके, सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन. वैसे मॉर्फोलॉजिकली वो क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं और आइडेंटिकल रहते हैं. आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है, एग्जैक्टली कॉपी होता है. ओके, जैसा पेरेंट रहता है वैसा ही उनका यंग वन रहता है. ओके, प्लांट के जो यंग वन और प्लांट जो रहते हैं उनके पेरेंट्स दोनों सिमिलर रहने का मींस क्या हो जाता है, कि वो क्या है, एक दूसरे के क्लोन है. जब किसी का क्लोनिंग किया जाता है तो उसके अंदर कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा क्या, नहीं. जब वेरिएशन नहीं होता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो उस प्लांट का कभी भी इवोल्यूशन नहीं होता है.
ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन रोल प्ले करता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कभी भी एवोल्यूशन नहीं होता है। ओके, इसका फायदा यह है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फटाफट हो जाता है, ह्यूज पॉपुलेशन फटाक से बन जाता है, लेकिन हमें यंग वन का इवॉल्व फॉर्मेशन में नहीं मिलता। वही असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्लो प्रोसेसिंग होता है, लेकिन उसकी वजह से एवोल्यूशन टेक प्लेस होता है। ओके, तो देखिए और भी बहुत सारे मेथड है जिसको जिसके जरिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, बहुत सारे वे हैं। सबसे पहला है क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मीन्स क्या होता है, आपको फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग पता होगा, अगर किसी चीज को ब्रेक किया जाए तो क्या होता है, फ्रेगमेंट में बट जाता है, मीन्स टुकड़े टुकड़े में। ओके, तो क्या काम किया जाता है इसमें, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पे क्या लिया है, स्पायरोगायरा। ओके, स्पायरोगायरा देखने को मिलता है, ये अगर ये क्या काम करता है, स्पायरोगायरा अपने आप को इस फॉर्मेट में रहता है। ओके, ऐसा बॉक्सेस बॉक्सेस में रहता है, ये क्या काम करता है, ऐसा ब्रेक हो जाता है स्पायरोगायरा। ओके, तो स्पायरोगायरा ऐसे पीसेस में जब ब्रेक हो जाता है तब उसके अंदर से मीन्स स्पायरोगायरा रहेगा वो छोटे छोटे पीसेस में डेवलप बढ़ जाएगा, और जो जो छोटे छोटे पीसेस रहेंगे वो खुद से अपने आप को डेवलप करेंगे अपने पूरे बॉडी को। ओके, तो जिसके वजह से इसको क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन, मीन्स किसी पीस का अगर ब्रेकिंग डाउन हो और वो खुद से इवॉल्व हो जाए तो वैसे चीजों का फ्रेगमेंटेशन में होता है। ओके, इसके लिए सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, या तो फिर अगर आपको पता है बारिश के समय पे कीड़े निकलते हैं। ओके, अर्थवॉर्म, अगर अर्थवॉर्म को ब्रेक करेंगे तो कभी भी उसे कट करेंगे तो कट करने से वो मरता नहीं है, उससे क्या हो जाएगा, वो दो में बदल दो आपको अर्थवॉर्म मिल जाएगा। ओके, तो ये भी क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन में इंक्लूड किया जाता है इसको भी। तो आपको अगर उसको मारना है तो आपको केमिकल एक्शन से मारा जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। ये हमारा किसके लिए दिया है, बर्डिंग इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर कैसे बर्डिंग होता है उसके बारे में बताया गया है। बर्डिंग इसके अंदर आता है ये फेवरेबल कंडीशन के लिए, मीन्स जब ये अपने इंडिविजुअल, जैसे कि ये देखिए ये मदर सेल है। ओके, जो कि मदर सेल मीन्स जिसके जरिए क्या हो रहा है, ये उसके यंग वन जनरेट हो रहे हैं। ओके, तो ये अपने आप को क्या काम करता है, अपने छोटे छोटे पीसेस में अपने आप को ही डिवाइड कर देता है। ओके, देखिए, और जब ये अपने आप को डिवाइड करता है इससे ये उसके जो क्लोन्ड ऑफ बर्ड्स रहते हैं, चेन ऑफ बर्ड्स जो रहते हैं, बर्ड्स मीन्स यंग वन जो उसके बच्चे पैदा होते हैं वो सारे उसे अटैच रहते हैं, डी अटैच नहीं होते, मीन्स उसे सेपरेट नहीं होते। जब स्लो स्लो वो थोड़ा सा डेवलप हो जाते हैं उसके बाद सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इससे डी अटैच हो जाते हैं। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में अगर कंपेयर इसको सेम नहीं समझेंगे, फ्रेगमेंटेशन में ऐसा क्या होता है, वो डी अटैच इनिशियली हो जाते हैं, बाद में यंग वन डेवलप होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अटैच रहते हैं और स्लोली स्लोली क्या होते हैं, डेवलप होते रहते हैं, उसके बाद डी अटैच हो जाते हैं, तो फर्दर खुद को अपने आप को डेवलप करते हैं। ये सभी किसके अंदर इंक्लूड, ये क्या है, आपको बर्डिंग के बारे में बताया गया है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो है क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, आपको पता है ना, जैसे कोई सीड लो तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे बीज आपको सीड देखने को मिलते हैं ना, उसी तरीके से ये भी रहता है। ये क्या काम करता है, जोस्पोर रहता है। ओके, जोस्पोर ये क्या काम करते हैं जानते हो, जब इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता। ओके, तो ये क्या काम करते हैं, अपने आप को है कवर कर लेते हैं। ओके, देखो ये पेप्टाइड या ये देखिए पेरेंट सेल है, जोस्पोरिक गैमेट है। ओके, इससे क्या होता है, ये अपने आप को थिन सेल में रखता है, थिन सेल के अंदर ही जो इसका जेनेटिक मटेरियल रहता है, जो सेल रहता है वो कंप्लीट एक सेल, ये कंप्लीट एक सेल है। ओके, तो देखिए अगर ये कंप्लीट वन सेल है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, सब कुछ वो अपने आप को फर्दर डिवाइड करता है, एक करता है, फिर दो करता है, फिर तीन करता है, ऐसे ही करते करते इसके अंदर ही एक सेल के अंदर ही बहुत सारे जूओस्पोर बन जाते हैं। ओके, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, मीन्स जिस इन्वायरमेंट कंडीशन पे ये क्या काम कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, उस समय क्या होता है, इसका जो ये सेल का कवर रहता है, सेल वॉल जो रहता है, ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक होता है उसके अंदर से जियोस्पोर बाहर आ जाते हैं और इन्वायरमेंट में वो खुद को अपने आप को क्या काम करते हैं, डेवलप करते हैं। ओके, ये हमारा नेक्स्ट वन है, ये हमारा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आपको बताया जाएगा बर्डिंग फ्यूजन। ओके, बाइनरी फ्यूजन आपको मोस्टली देखने को मिलता है। ओके, बाइनरी फ्यूजन आपने अमीबा, पैरामेशियम ऐसी चीजों में देखा होगा। ओके, ये क्या काम करते हैं, अपने आप को ही एक पार्ट से
दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर डेवलप करते हैं। एक पार्ट से सिर्फ दो पार्ट होता है, बाइनरी। बाइनरी मीन्स टू होता है, फ्यूजन मीन्स होता है ब्रेकिंग। ओके, टू पार्ट हाफ में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है और वो यंग वन डेवलप होता है। इसमें अनइवन नहीं होता, इक्वल अमाउंट के डेवलप होते हैं। जब ब्रेक हो जाएगा तो दो यंग वन अपने हो जाएंगे और उससे अपने आप को डेवलप करेंगे। ओके, ब्रांचेस निकले रहते हैं उसके ऊपर वन बाय वन, जैसे कि आपने ये बर्ड्स देखे हैं। ओके, ईस्ट के अंदर यहाँ पे उसी तरीके से आपको क्या है, पेनिसिलियम में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, गैम्यूल फॉर्मेशन इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के ऊपर गैम्यूल फॉर्मेशन होता है, मींस कोई स्ट्रक्चर रहता है, जैसे उसका इस तरह से स्ट्रक्चर है तो उसके ऊपर छोटे 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 चारों तरफ क्या होते हैं, गैम्यूल फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, यंग वन जनरेट होता है। ओके, और भी यहाँ पे बोला गया है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए क्या होता है कि आपको पता भी होगा, इसके जरिए क्या होता है, प्लांट ग्रोथ होता है, जो कि हमारा क्या हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको शॉर्टली इंफॉर्मेशन देता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, वेजिटेटिव मीन्स क्या हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर पार्ट से कोई यंग वन जनरेट होता है किसी प्लांट की। ओके, रोज का बात किया जाए, देखिए रूट से जैसे देखिए स्वीट पोटैटो बनता है, देखिए डालिया बनता है, सब बहुत सारे आपको प्लांट देखने होंगे। अगर आप उसके रूट को प्लांट कर देते हैं तो उससे यंग वन जनरेट होता है। लीफ के जरिए भी बहुत सारे प्लांट बनते हैं। ओके, देखिए अब हो गया, ओनियन हो गया, ये सभी चीजें किससे बनते हैं, स्टेम से बनते हैं। ओके, अगर स्टेम को आप प्लांट कर देते हैं तो आपको उससे यंग वन जनरेट होता है, मीन्स उससे आपको न्यू पोटैटो, ये टमाटो, ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, टमाटो नहीं होता, पोटैटो होता है, ओनियन होता है, ये सभी चीजें किसके जरिए होता है, स्टेम के जरिए होता है। ओके, ये सब रिप्रोडक्शन के जरिए होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लीफ फॉल हो जाता है, ओके, लीफ फॉल हो जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि लीफ के बगल में से छोटे 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 क्या होते हैं, उसके लीफ मार्जिन अगर चेक करेंगे तो लीफ मार्जिन के पास से वो प्लांट ग्रो होते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो उनके पार्ट से होते हैं। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये कुछ कुछ आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल मीन्स ह्यूमन के इंटरफियर की वजह से वो न्यू तरीके से होता है, मीन्स डेवलप होता है वेजिटेटिव पार्ट। ओके, तो बहुत सारे मेथड है जिसके जरिए ह्यूमन बींग क्या काम करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं यंग वन। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्या है, कटिंग है। कटिंग मीन्स क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे ये कटिंग, देखिए द स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड इज यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन स्टेम कटिंग। जैसे कि आपको पता है रोज रहता है, ओके, कटिंग करके रोज का क्या काम किया जाता है, उसको इस तरह से इंक्लाइंट में कट किया जाता है। इंक्लाइंट में क्यों कट किया जाता है, अगर इंक्लाइंट में कट करेंगे तो ये आपको क्या, अगर ऐसा करेंगे तो आपको छोटा सा सर्कल मिलेगा, लेकिन ऐसा करेंगे तो आपको बड़ा एरिया मिलेगा ना। ज्यादा बड़ा एरिया मिलेगा तो क्या होता है, डेवलपमेंट के लिए इजीली हो जाता है, इसलिए क्रॉस में कटिंग करके क्या काम किया जाता है, उसको प्लांट कर दिया जाता है, जिसके अंदर एक दो बर्ड हो। बर्ड हो मीन्स उसको स्टेम निकले हुए एक दो, उसको क्या काम कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं सॉइल में, तो स्लो स्लो क्या होता है, वो डेवलप होता है। Okay, तो डेवलप होके यंग वन में मीन्स बड़े पार्ट में डेवलप हो जाता है। अगर एग्जांपल की तौर पे और है, सुगर केन का यूज किया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है। ओके, रूट कटिंग में आता है, ब्लैकबेरी का भी यूज किया जाता है। ये सभी चीजें किसके आते हैं, कटिंग में यूज होता है। नेक्स्ट वन क्या है, ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग एक टेक्निक है जिसकी वजह से क्या काम किया जाता है, यंग वन मीन्स अलग वराइटी का स्पीसीज तैयार किया जाता है। कैसे, देखिए अगर एक पुराना प्लांट रहे उसको क्या काम किया जाता है, कट कर दिया जाता है, कट नहीं मींस पूरा कट नहीं किया जाता है, उसका बर्ड निकाल दिया जाता है कट करके। ओके, बर्ड क्या होता है, आपको अगर देखेंगे छोटा सा, आपको जैसे कि ये आपको पता होगा, उसका दूसरे प्लांट में, दूसरे प्लांट को अंदर छोटा सा ट्रायंगुलर कट में या फिर कट करके उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, न्यू उस प्लांट के ऊपर अगर कोई नया प्लांट ग्रोथ किया जाए तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। और भी टेक्निक क्या है, जैसे कि एक टाइप का अगर रोज रहता है तो क्या काम किया जाता है, दूसरे टाइप का रोज का फ्लावर ले, मतलब जो प्लांट रहता है उसको कट करते हैं और उसको क्या काम करते हैं, अटैच कर देते हैं प्रॉपरली, और अटैच करने के बाद उसे क्या काम कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, अच्छी तरह से उसको पकड़ के बांध देते हैं। पकड़ के बांधने से क्या हो जाता है कि अच्छी तरह से वो डेवलप हो जाता है, एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। जब कनेक्ट हो जाता है तो दोनों प्लांट ग्रोथ होता है। इससे आपको क्या देखने को मिलता है, एक ही प्लांट में दो टाइप्स के रोज उगते हैं। ओके, तो इसी तरीके से ये ग्राफ्टिंग टेक्निक है। इस ग्राफ्टिंग टेक्निक से बहुत सारे इसी तरह से प्लांट में किया जाता है, जैसे कि एप्पल हो गया,
पियर हो गया, रोज हो गया, तो उसका देखिए यहाँ पे इमेज दिया है। साइकॉन देखिए यहाँ पे, साइकॉन को क्या कम किया जाता है, कट किया जाता है जहाँ पे बर्ड्स रहता है, इसको कट करने के बाद स्टॉक में, ओके, दूसरे प्लांट के स्टॉक में जो रहता है वहां पे क्या काम किया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे भी देखिए यहाँ पे टाइटली बांध दिया है, जिसकी वजह से क्या हो पानी का लीकेज, क्योंकि पानी क्या काम करता है एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो लॉस नहीं होना चाहिए वाटर लॉस, इसलिए प्रॉपरली उसे बांध दिया जाता है और टाइटली, तो जिसके जरिए क्या हो स्लो स्लो डेवलप हो, और डेवलप होने के बाद आपको न्यू वैरायटी आपको देखने को उसके अंदर मिल सकता है, मिक्स में मिल सकता है, या फिर आपको एक ही प्लांट पे आपको दो तरह के फ्लावर देखने को मिल सकते हैं, तो ये सभी आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, टिश्यू कटिंग होता है, अपने आपको टिश्यूज जो सेल्स रहते हैं, अगर सारे न्यूट्रिशन मीडियम आप प्रोवाइड करते हैं तो टिश्यू के जो सेल्स रहते हैं वो अपने आपको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके ढेर सारे टिश्यूज में बन जाते हैं, और वो क्या काम करते हैं स्टेम्स अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, वो टिश्यू ही क्या काम करता है अपने आपको पूरा डेवलप करता है। अभी न्यू मेथड्स आने लगे माइक्रो प्रोपोगेशन, ये टेक्निक यूज करके नाउवेडेज यूज किया जाता है, और जिसके जरिए क्या काम किया जाता है उस टिश्यू के जरिए यंग वन में डेवलप किया जाता है। ओके, इस टेक्निक की वजह से बहुत सारे प्लांट को ग्रोथ किया जाता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।